इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। तीन दिवसीय श्रुत पंचमी उत्सव, आइए इस श्रुत पंचमी पर हम सब मिलकर श्रुत आराधना करते हैं टीम अरहम के साथ। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से अरहम योग प्रणेता प्राकृत मर्मज्ञ अभिक्षण ज्ञान उपयोगी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से जाने श्रुत पंचमी की कथा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह श्रुत पंचमी पर्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। श्रुत शब्द के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि श्रुत का मतलब हम लोग क्या समझते हैं और वास्तव में श्रुत के कितने अर्थ हुआ करते हैं। सामान्य से व्यक्ति समझता है कि श्रुत माने होता है सुनना, या श्रुत माने होता है कर्ण इंद्रिय। आचार्यों ने ये कहा है कि जो सुना जाता है वह शब्द है और उस शब्द को श्रुत भी कहा जाता है, लेकिन वह शब्द श्रुत तब कहा जाता है जब उस शब्द से कुछ अर्थ हमारे ज्ञान में आ रहा हो। तो श्रुत ज्ञान एक हमारे अंदर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली परिणति है, और उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम जो सुना जाता है उसके अर्थ तक पहुँचते हैं, और वह तभी संभव होता है जब हमारे अंदर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो। श्रुत के कई भेद हैं, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, शब्द श्रुत, अर्थ श्रुत, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में भी श्रुत को जाना जाता है। जो लोग जिनवाणी की प्रक्रिया को जानते हैं और द्वादशांग जिनवाणी के नामों से परिचित हैं, उन्हें यह ज्ञान में स्वयं आ जाता है कि द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के अतिरिक्त जो श्रुत के दो भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, इनका भी बहुत योगदान है। यह ऐसे श्रुत के भेद हैं जिनको हम जानकर के ये समझ सकते हैं कि द्वादशांग का कितना महत्व है। द्रव्य श्रुत वस्तुतः वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम शास्त्रों को सामने रख कर के पढ़ते हैं, और शास्त्र यदि हमारे सामने हैं तो इसी का नाम है द्रव्य श्रुत। और उस द्रव्य श्रुत के माध्यम से जब हमारे अंदर हमारे ही ज्ञान में वह श्रुत उतर जाता है तो वही भाव श्रुत का नाम प्राप्त कर लेता है। इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही ये धर्म की प्रभावना आगे बढ़ी है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ आगे बढ़ा है, और श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही सभी आचार्यों ने भाव श्रुत की परिणति को प्राप्त करके अपने अंदर इस जिनवाणी के माध्यम से अपने कर्म कलंक को धोया भी है। तो ये श्रुत की महिमा है, और इस श्रुत की महिमा में हम अगर समझने की कोशिश करें तो इतना जानना जरूरी है कि जो द्वादशांग की रचना होती है जिसमें 12 अंग हुआ करते हैं, और 12 अंगों में 11 अंग तो अंग के ही रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, 12वां अंग दृष्टिवाद अंग कहलाता है। जिस दृष्टिवाद अंग में भी 5 भेद होते हैं और उसमें एक पूर्वगत नाम का भेद होता है जिसके 14 भेद अलग से होते हैं, तो हम उसको 11 अंग 14 पूर्व इस रूप में कहते हैं, अथवा हम उसको 12 अंग और 14 पूर्व के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा ही कहेंगे 12 अंग और 14 पूर्व तभी पूरा द्वादशांग हमारे सामने आएगा। अगर हम 11 अंग और 14 पूर्व इस तरीके से कहेंगे तो 11 अंग तो हो गए, और जो 12वां अंग है उसका केवल एक पूर्वगत भेद ही हमारे सामने आएगा, बाकी के जो 4 भेद हैं वो हमारे सामने नहीं आ पाएंगे, जो कि प्रथमा नियोग, परिकर्म, सूत्र, चूलिका के रूप में होते हैं। वो अगर हमारे सामने नहीं आए तो द्वादशांग पूरा नहीं होगा, इसलिए हमेशा ये कहा जाता है 12 अंग और 14 पूर्व, इसको कहने का भी ये महत्व है। जब हम 12 अंग और 14 पूर्व कहते हैं तो हमारे सामने पूरा का पूरा
वह ग्रंथ रचना आ जाती है जिसे गौतम गणधर आदि परमेष्ठियों ने अपने ज्ञान के माध्यम से उसे ग्रंथों के रूप में गूंथा था। ये ग्रंथ रचना जो होती है, सामान्य रूप से सभी सुधी पाठकों को एक और विषय जानने योग्य है कि पद तीन प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है अर्थ पद, एक कहलाता है मध्यम पद और एक कहलाता है प्रमाण पद। अर्थ पद वह कहलाता है जब हम किसी भी अर्थ को एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर से कहते हुए सात अक्षरों तक भी अगर हम उसका आलम्बन लेकर के कहते हैं तो वह अर्थ पद कहलाता है। मध्यम पद वह कहलाता है जिसके माध्यम से द्वादशांग की रचना होती है और एक मध्यम पद में उसका प्रमाण क्या होता है, उसमें कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। तो आचार्यों ने कहा है 1634,83,07,888 अक्षरों का एक पद होता है। कुछ समझ आया? फिर से सुनेंगे। और इतने पदों से जो द्वादशांग की रचना होगी, उस द्वादशांग की रचना में अलग अलग अंगों के पद भी अलग अलग होंगे। जैसे आचारांग है तो उसमें 18,000 पद होते हैं, तो एक पद में इतने अक्षर हैं तो 18,000 पदों में कितने अक्षर होंगे, ये आप उसको मल्टीप्लाई करके काउंट कर सकते हैं। इतना बड़ा हुआ द्वादशांग, इसकी रचना, इसको बनाने का कार्य, इसको व्यवस्थित करने का कार्य गौतम गणधर के द्वारा होता है। या यूं कहें जो तीर्थंकर के समोसरण में साक्षात गणधर परमेष्ठी, सर्वप्रथम जो पहले गणधर परमेष्ठी होते हैं उन्हीं के माध्यम से ये ग्रंथ रचना का कार्य होता है, जो सामान्य लोग नहीं समझते। अगर आपके लिए कहीं पर ये मिल भी जाए कि ये आचारांग पद है या ये आचारांग सूत्र हैं, तो उनमें इतनी पदों की संख्या होनी चाहिए और ये पदों की संख्या, इतने अक्षरों की संख्या धीरे धीरे इसलिए कम हो गई क्योंकि हमारे ज्ञान का क्षुप्सम उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सका। तो जरूरत है हमें समझने की द्वादशांग के पदों को, द्वादशांग के अक्षरों को। जब ये पद इस तरीके से निर्मित होते हैं तो 12 अंग और 14 पूर्व जो शास्त्र की रचना हुई है उनमें प्रत्येक अंग के पदों की संख्या अलग अलग है। ये आप जिनवाणी के माध्यम से, अन्य शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं। 12 अंग में प्रत्येक अंग, आचारांग, स्थानांग, पूरे द्वादशांग के अंग प्रविष्ट के पदों की संख्या, जिसे हम कहते हैं अरिहंत भास यत्थम गढ़हर देवेहि गंथियम सम्मम परमामि भत्तिजुत्तो सुदनान महो वहिम सिरसा। जब हम इस तरह से श्रुत को नमस्कार करते हैं तो उस श्रुत में हमारे सामने अरिहंत भगवान के द्वारा भाषित अर्थ आ जाता है और उस अर्थ को कहने के लिए जो गणधर परमेष्ठी के द्वारा पदों की रचना हुई है तो उसके लिए भी एक श्लोक आता है कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्य शीतस्त्रधिकानि चैव पंचाश दष्टौ च सहस्र संख्य मेतश्रुतम पंच पदम नमामि। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पूरे श्रुत के पदों की संख्या को नमस्कार कर रहे हैं। ये तो आपको बता दिया कितने अक्षरों का एक पद होता है, अब पूरे द्वादशांग में कितने पद होते हैं वो इस श्लोक में लिखे हुए हैं। 112,83,58,005 पद होते हैं, इतने कुल मिलाकर के द्वादशांग के पद होते हैं, वह कहलाती है जिनवाणी, उसको कहते हैं द्वादशांग, उसकी रचना करते हैं गणधर परमेष्ठी। और वह द्वादशांग वाणी जब उसमें इतने पद हैं तो आप समझ सकते हो इन सब पदों को, इन पदों में रचे हुए जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्रों हैं और उन शास्त्रों के जो भी विषय हैं वो सारे के सारे विषय गणधर परमेष्ठी के
कंठ में विद्यमान रहते हैं। किसी भी समय पर इतने पदों का पाठ वो करने में समर्थ होते हैं, एक अंतर मुहूर्त में वह सारी के सारे द्वादशांग के पद को पढ़ सकते हैं एक अंतर मुहूर्त में। समझ आ रहा है? हम एक अंतर मुहूर्त में उन द्वादशांग के पदों की संख्या भी नहीं पूरी पढ़ पाएंगे, पूरे पूरे द्वादशांग का पाठ भी कर देंगे। और इस तरीके की उनकी जो एक ज्ञान की क्षयोपशम शक्ति रहती है, इसी के कारण से वह श्रुत उनके द्वारा पूरा का पूरा निर्मापित भी होता है। और वह उस श्रुत को आगे जब बढ़ाते हैं, जितने अक्षरों में हमने द्वादशांग को रच दिया है उतने ही अक्षरों में द्वादशांग जब तक बोला जाएगा, कहा जाएगा, सुनाया जाएगा, तब तक वो कहलाएगा हाँ ये द्वादशांग की परंपरा चल रही है। और गणधर परमेष्ठी के बाद में द्वादशांग की परंपरा चलाने वाले श्रुत केवली होते हैं। श्रुत केवली इन्हीं को कहते हैं, नाम सुना ना सभी ने, एक केवली और एक श्रुत केवली। तीर्थंकर केवली हैं जो स्वयं अर्थपद के कर्ता कहलाते हैं, और उस अर्थपद के कर्तृत्व के साथ साथ वह भाव श्रुत के भी कर्ता कहलाते हैं। और जब वह तीर्थंकर बोलते हैं तो उन्हीं के द्वारा बताए हुए सुने हुए श्रुत को अवधारित करके वह गौतम गणधर भी उस श्रुत पर्याय से ही परिणत हो जाते हैं। और जब वह उस श्रुत पर्याय से परिणत हो जाते हैं तो उनके अंदर ये इतने पदों में रचना करने का ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम इतना अधिक तक हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी के बाद में गौतम गणधर हुए, और गौतम गणधर के बाद में सुधर्माचार्य हुए। इनको कहीं कहीं लोहाचार्य भी कहा जाता है और इनको कहीं कहीं सुधर्माचार्य भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में जम्बू स्वामी हुए। ये तीन तो अनुबद्ध केवली हुए, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसके बाद में अनुबद्ध रूप से केवल ज्ञान की परंपरा रुक गई, लेकिन ज्ञान की परंपरा तो आगे बढ़ी। श्रुत केवली हुए, पांच श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। ये पांच श्रुत केवलियों के माध्यम से इस 12 अंग और 14 पूर्व की सारी ये ज्ञान की परंपरा हूबहू ज्यों की त्यों आगे बढ़ती रही। मतलब इन आचार्यों के पास में इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान का क्षयोपशम था कि जितना गौतम गणधर ने ये पदों की संख्या का निर्माण किया था, 112 करोड़ इत्यादि जो पद हैं, वो सब उनके ज्ञान में, उनके मस्तिष्क में ज्यों के त्यों रखे रहे। समझ आ रहा है? ज्यों के त्यों रखे रहना। जैसे हम आपको रत्न दे दें और आप उन रत्नों को ज्यों के त्यों रखे रहो, उनका अर्थ भी ज्यों का त्यों ही कहना, कुछ भी नहीं भूलना। जितने शब्दों में जो व्याख्यायित किया गया है उतने ही शब्दों में व्याख्यायित करना, ये अपने आप में बहुत बड़े ज्ञान के क्षयोपशम के साथ होता है। समझ में आ रहा है? लोग कहते तो हैं जिनवाणी जिनवाणी श्रुत पंचमी, तो हम देखें कि इसका नाम है श्रुत परंपरा। अब लोग पूछते हैं हमारे पास में द्वादशांग जिनवाणी क्यों नहीं है, हमारे पास में 12 अंगों का लोप क्यों हो गया, ऐसा प्रश्न किया जाता है। नहीं समझ आ रहा है? आज हमारे पास में 12 अंग क्यों नहीं, 14 पूर्व के ग्रंथ क्यों नहीं? तो ये 12 अंग और 14 पूर्वों की जो परंपरा चली है, ये तब तक सही चली जब तक कि ज्ञान पूरा का पूरा उसे ग्रेस्प करने में समर्थ रहा। समझ आ रहा है? भगवान महावीर स्वामी के बाद अब जब ये भद्रबाहु श्रुत केवली हो गए, फिर उसके बाद में जब ये और परंपरा आगे बढ़ी, तो आपको ये भी पता होगा कि भद्रबाहु श्रुत केवली के बाद उसी समय पर एक बहुत बड़ा 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष। समझ आ रहा है? आज का कोरोना तो कहीं नहीं लगता उसके आगे। 12 वर्ष तक जो आपत्ति रही हो, आदमी का दिमाग, आदमी का ज्ञान, सब कुछ तब तक काम करता है जब तक खा पी करके अच्छे ढंग से ठंडी हवा में बैठा होता है, तब तक उस आदमी का ज्ञान काम करता है। समझ आ रहा है? अगर आपको 2 दिन खाने ना दिया जाए है? और एसी कूलर कोई भी ना मिले, तो जितना भी जानते हो सब 2 दिन में सब भूल जाओगे, सब रिफ्यूज उड़ जाएंगे दिमाग के। समझ आ रहा है? मतलब कि समझो, 12 वर्ष के उस अकाल को जब झेला गया
और जिन आचार्यों ने उस समय पर जो ज्ञान रखा, तो भद्रबाहु के बाद में चंद्रगुप्त एक बहुत बड़े आचार्य हुए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जो आप सीरियल देखा करते हैं, ये वही चंद्रगुप्त हैं जो भद्रबाहु महाराज की सेवा किए थे अंतिम श्रुत केवली की। और उसके बाद में ये ज्ञान की परंपरा फिर कम सी होती गई। हुआ ये, कुछ विशेष विशाखाचार्य आदि ऐसे 11 आचार्य हुए जो 11 अंग और 10 पूर्वों के ज्ञाता रह गए भद्रबाहु जी के बाद में, आचार्य भद्रबाहु के बाद में 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता रह गए। माने जो लास्ट के 4 पूर्व थे उनका ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा रह गया। अब ज्ञान के 6 उपशम की कमी देखो कैसे होती जा रही है। 4 पूर्व का ज्ञान कम रह गया, थोड़ा थोड़ा रह गया, और पूरा पूरा ज्ञान किसका बचा रह गया? 11 अंग और 10 पूर्वों का। ये परंपरा चली, 11 आचार्यों ने ये परंपरा चलाई। ये परिपाटी क्रम से बताया जा रहा है, सीरियल वे में है ना, जो एक के बाद एक होते गए। फिर उसके बाद में 5 और ऐसे आचार्य हुए जो नक्षत्र आचार्य आदि जिनके नाम थे, और जो 11 अंग और 14 पूर्व के एक देश ज्ञाता रह गए। माने अब उनके पास में, उन 11 के बाद में इन 5 के पास में कोई भी अंग का और कोई भी पूर्व का पूर्ण ज्ञान नहीं रहा। एक देश माने थोड़ा थोड़ा जानना, क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा जानना, नॉलेज सबकी है लेकिन थोड़ी थोड़ी सबकी है, समझ आ रहा है? जैसे पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथमेटिक्स, पूरी बायोलॉजी, पूरी जूलॉजी, समझ आ रहा है? पूरी की पूरी आपको आए तो आप पूर्व के सकल ज्ञाता कहलाओगे, है ना। और अगर आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा सा आपके ज्ञान में रह गया है, तो आप उसके एक देश ज्ञाता कहलाओगे, है? अब देखो ये हालत हो गई, ज्ञान का क्षयोपशम कम होता चला जा रहा है, कंठ परंपरा से ज्ञान चल रहा है, लेखन का अभी कोई काम नहीं है, समझ आ रहा है? लेखन अभी होता ही नहीं, और ये कंठ परंपरा से ज्ञान इतना कम होता गया। और उसके बाद में फिर 4 और आचार्य हुए जो मात्र एक अंग के ज्ञाता रह गए, एक पहला अंग आचार अंग के ज्ञाता रह गए, बाकी शेष अंग, शेष पूर्व जितने भी थे उन सबके बस वो एक देश के ज्ञाता रह गए। थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान है ना, अब ये ज्ञान इतना कम हो गया। यहां से ज्ञान कम होते होते ये ज्ञान आया कहां पर? अब हम प्रासंगिक उस विषय पर आ रहे हैं जिसके लिए हम यहां बैठे हैं और आप लोग भी सुनने को आतुर हैं। क्या समझ में आ रहा है? वो क्या है? आप सोच रहे होगे महाराज जी कौन सी परंपरा बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जो प्रसंग अब आचार्य धर्मसेन महाराज से शुरू होना है, वो इसलिए शुरू होना है कि आचार्य धर्मसेन महाराज अब क्या रह गया? सभ्य सिम अंग पुब्बाणम एक देशो आयरीय परंपराए आगच्छमाणो धर्मसेन आयरियम संपत्तो। ये आचार्य वीरसेन महाराज की धवला टीका की पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। अब आप लोग धवला पढ़ नहीं सकते हो, सुन तो सकते हो, कुछ विशेष विशेष प्रसंग भी सुन सकते हो, जो महान ग्रंथ जिनकी आप पूजा करने को उत्सुक हो, रोजाना अर्घ चढ़ाते हो, और आज के दिन विशेष रूप से सिर पर भी धारण करके पालकी पर रख करके जिनवाणी की जो है ना आराधना करते हो, लेकिन उस जिनवाणी के कुछ शब्द, दो चार शब्द भी तो सुनो। हाँ, वह धवला क्या है इसको आपको आगे बताएंगे। अभी हम ये विषय पर आ रहे थे कि अब आचार्य धर्मसेन महाराज का वह नंबर आता है जो क्या लिखा आचार्य वीरसेन महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ की टीका करते हुए, कि जितने भी सभी अंग और पूर्व हैं उन सब अंग और पूर्वों के एक देश ज्ञाता, माने थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान है ना, लेकिन ये ज्ञान है कौन सा स्रोत? वही है। कौन सा स्रोत है? ऐसे समझ लो आप, एक घड़ा है बहुत बड़ा, समझ आ रहा है? बहुत बड़ा अमृत का घड़ा है, और उस अमृत के घड़े में सब लोग जो है धीरे 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 उस अमृत को पीते गए, है ना, और लास्ट में एक बूंद बची रह गई, और उस बूंद को पीने के बाद में जो तृप्त हो गया, अब वो सोचता है अब क्या होगा आगे, ये अमृत हमने तो चख लिया, अब दूसरे इस अमृत को कैसे चखेंगे, समझ आ रहा है?
तो यही स्थिति बनी भगवान तीर्थंकर महावीर की परंपरा से चली आने के बाद में। लगभग ये 683 वर्ष का काल गुजर गया, ये समझ लो आप। हाँ, जब तक धर्मसेन महाराज का ये काल आता है तब तक इतना काल गुजर गया, और धर्मसेन महाराज जी के पास में सभी अंग और सभी पूर्वों का बस थोड़ा थोड़ा ज्ञान रह गया, लेकिन ज्ञान वही है प्योर वाला जो भगवान तीर्थंकर की वाणी से निकला हुआ है, प्योर, लेकिन है थोड़ा थोड़ा, समझ आ रहा है। अमृत तो थोड़ा भी हो तो क्या करता है, तृप्ति उतनी ही देता है। अगर आप अमृत को अमृत समझ करके पियो तो आपके लिए तृप्ति वही होगी, है ना। अब देखो वह धर्मसेन महाराज कहाँ हैं, अब यहां से मैं आपको श्रुत पंचमी की वह कथा सुनाना चाहता हूं जो कथा धवला टीका में ही षटखंडागम सूत्र के ऊपर जो धवला टीका है, आचार्य वीरसेन महाराज ने जो धवला टीका की रचना की है उसी टीका में जो उन्होंने घटना प्राकृत भाषा में जिस तरीके से लिखी है, मैं आपको प्राकृत और हिंदी के साथ में वही घटना थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपको प्राकृत पर भी ध्यान देना है। इसलिए ध्यान देना है कि जो भी षटखंडागम सूत्र रचे गए और उसके ऊपर जो धवला आदि टीकाएँ लिखी गई, ये सब प्राकृत भाषा में लिखी गई। टीका में तो कहीं कहीं संस्कृत का भी उपयोग हुआ है, लेकिन षटखंडागम जो सूत्र हैं उस सूत्र की परंपरा कैसे बनी, उसकी कहानी क्या है, श्रुत पंचमी हम क्यों मनाते हैं, उस पर्व की कथानक क्या है, तो वह कथानक जैसा आचार्य वीरसेन महाराज जी ने लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आपको प्राकृत भाषा के माध्यम से सुनाने का मेरा मन हो रहा है। अब ऑडियंस तो सामने ज़्यादा ही नहीं है, है ना, तो ये भी नहीं पूछ सकते कि भैया सुनोगे कि नहीं सुनोगे, फिर भी जो जहाँ सुन रहे होंगे कह रहे होंगे हाँ महाराज सुना दो, है ना, क्योंकि आप लोग तो बड़े अच्छे आराम से अपने अपने घरों में सोफा सेट पर बढ़िया, है ना, एसी में बैठे होंगे, तो कई बात नहीं, आप ये सुनो कि क्या शब्दावली है आचार्यों की जो उन्होंने इस घटना को इतना प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया है। और यही वो घटना है जिसके माध्यम से हम प्रामाणिक रूप से श्रुत पंचमी की परंपरा को आगे बनाए रखते हैं, है ना। इसके अलावा अनेक और भी आचार्य हुए जिन्होंने इस घटना को लिखने के लिए श्रुतावतार के रूप में ग्रंथों की रचना की है, लेकिन सबसे अच्छी प्राचीन जो आचार्य वीरसेन महाराज ने जो षटखंडागम ग्रंथ की टीका करते हुए लिखा है वो मैं आपको यहीं से पढ़ता हूं। तेणवी सौरठ विषय गिरिनयर पट्टण चंद हुआ ठीण अट्ठंग महान मित्त पारायण गंथ वोच्छेदो हो दी। प्राकृत समझ में आ रही है, आएगी धीमे धीमे आएगी, है ना, बड़ी अच्छी भाषा है प्राकृत, मधुर भाषा है, बोली जाने वाली भाषा है, समझ आ रहा है, और ख़ास तौर से बड़ी कोमल भाषा है और स्त्रियों को और बालों को ज़्यादा अच्छी लगने वाली भाषा है, समझ आ रहा है। हाँ, अभी जब कुछ बात हो रही थी तो फूलचंद जी प्रेमी जो है बता रहे थे कि कहीं पर भी अगर कोई पाठशालाओं में कहीं पर भी कोई थोड़ा प्राकृत का अध्ययन चलता है तो महाराज उसमें स्त्रियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं, तुमने कि इसमें बुराई की बात हो गई। अरे भाई वो स्त्रियों के लिए ही है। एक काव्य अलंकार नाम का ग्रंथ है, रुद्रट का काव्य अलंकार है, और उसके ऊपर एक नमी साधु हुआ, उसने टीका की है, और उस टीका में इसने लिखा हुआ है कि बाल महिलादि सुबोधम, है ना, प्राकृतम इति प्राकृतम, जो सबसे पहले की गई सबसे पहले चली आई भाषा है उसका नाम है प्राकृत भाषा, और ये बच्चों के लिए महिलाओं के लिए बड़े अच्छे से ज्ञान में आ जाती है, सुबोध भाषा है, इसलिए जिसको भी ये ज्ञान में आ रही है उसको ये समझ लेना चाहिए कि वह उसके ज्ञान के क्षयोपशम के कारण से आ रही है। हो सकता है महिलाओं के बच्चों के ज्ञान का क्षयोपशम ज़्यादा रहता हो, है ना, पुरुषों के लिए मना नहीं है क्योंकि उसमें आदि भी लिखा हुआ है, बाल महिला आदि, आदि में सब आ जाते हैं, है ना। तो देखो क्या लिखते हैं, सौरठ विषय, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र को प्राकृत में क्या बोलते हैं, सौरठ, हाँ, तो सौराष्ट्र कहलाता है गुजरात आज के समय का। गिरिनयर पट्टण, गिरनार को क्या बोलते हैं, गिरिनगर उसका सही नाम है। ये प्राकृत के कारण से हम जो है अपभ्रंश बोलने के बाद हिंदी बोलते हुए इन नामों के ऐसे रूपांतरण कर चुके हैं, है ना, तो मुख्य नाम है गिरिनगर और आज हम उसको बोलते हैं गिरनारी, गिरनारी, गिरनार, गिरनार, है, नगर का नार हो गया वो। अब उस गुजरात में गिरनार में गिरिनगर में एक चंद्र गुफा है ना, आपने देखी हो ना देखी हो, मैंने देखी है,
है ना। आचार्य महाराज के साथ में जब मैं ब्रह्मचारी था तब यात्रा करते हुए गया था, तो उस चंद्र गुफा में भी गया था और आचार्य महाराज ने वहाँ पर भी बैठ करके सामायिक की थी और हम लोग भी वहाँ पर बैठे थे। कुछ लोग गुफा के अंदर बैठे थे, कुछ गुफा के बाहर बैठे थे, है ना। बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य है वहाँ पर। तो उस गुफा में जहाँ पर आचार्य धर्मसेन महाराज ने मन में विचार किया था कि ग्रंथ का जो परंपरा से प्रवाह चला आ रहा है अब ये विच्छेद को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है अब इसको जानने वाले कोई बचे नहीं, समझ आ रहा है। लेकिन वो अष्टांग महानिमित्त में पारायण थे। अष्टांग महानिमित्त ज्ञान होता है ना, यहीं बैठे बैठे सब कुछ जान लेना, आगे भविष्य में क्या होने वाला उसके बारे में जान लेना। तो ऐसे अष्टांग महानिमित्त के ज्ञान को धारण करने वाले वो अकेले आचार्य उस गिरनार की चंद्र गुफा में स्थित रहते थे। तब उनके मन में एक ग्रंथ परंपरा का उच्छेद हो जाएगा, ऐसा सोच करके उन्होंने क्या किया, जाद भयण, उनके अंदर भय पैदा हो गया। सुन रहे हो, साधुओं को भी भय पैदा हो जाता है, किससे, संसार से, हैं कि संसार में रहने वालों से, हैं इससे तो भय होता ही है। लेकिन कभी कभी जब जिन वाणी, जिन धर्म, जिन परंपरा, इस पर भी कोई आक्षेप या कुटाराघात या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तो उस समय पर भी ऋषियों को, मुनियों को और यहाँ तक कि जिनेन्द्र भगवान के आयतनों पर भी यदि किसी प्रकार का कोई प्रहार होता है तो उसमें साधु भी उठ करके खड़ा हो जाता है। उसके अंदर भी भय पैदा होने का मतलब ये नहीं कि वो डर गया, रक्षा कैसे करना, ये विचार करने का नाम है भय, समझ आ रहा है। तो वह उनके अंदर विचार आया और उस विचार के साथ में क्या भाव होता है, पवयण वत्सलेण, प्रवचन की वत्सलता। प्रवचन माने जो भगवान जिनेन्द्र देव के वचन हैं, इनके प्रति जो भक्ति है उसके कारण से दक्षिणा वह आयरियाणम महिमाए मिलियाणम लेहोपे सिदो। उनको पता पड़ा था कि दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिणापथ माने दक्षिण भारत में आचार्यों का एक सम्मेलन हो रहा है और वहां पर एक महिमा नाम की नगरी है, वहां पर उन्होंने एक लेख प्रेषित किया। उस समय पर किसी अपने एक ब्रह्मचारी के माध्यम से एक पत्र भेजा, है ना। लेख में लेहठी धर्षेण आयरिय वैणम अवधारिय तेहवी आयरिय बेसाहू गहन धारण समत्था धवलामल बहुवी विनय विहूसियंगा सीलमाला हरा गुर पेशणा सत्ता आसन तित्ता देश कुल जाई सुत्ता सयल कला पारया तिक्खुत्ताबुच्छ आयरिया अंध विषय वेणायणादो पेसिदा। कुछ समझ आया, कितना अच्छा लिखा है। क्या लिख रहे हैं, लेख में लिखा था धर्षेण आचार्य महाराज ने लिखा है कि हमारे लिए दो साधु भेज दो, समझ आ रहा है, हमारे पास साधु नहीं है। जहाँ आचार्यों का सम्मेलन हो रहा है, अब देखो कहाँ गुजरात और कहाँ दक्षिणापथ, समझ आ रहा है। और ये जो महिमा नगरी का वर्णन किया गया है, वर्तमान में भौगोलिक स्थितियों में जिन्होंने, विद्वानों ने खोज की, वो बताते हैं कि बम्बई प्रांत में एक जो है जिला है सितारा जिला, उसमें एक महिमा नगर नाम से गाँव है ना, सतारा, हाँ, तो उसमें ये गांव है। तो उसी का अनुमान लगाया जाता है कि ये उसी महिमा नगरी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो कम से कम गुजरात से बॉम्बे की बात हो गई, समझ आ रहा है ना, तो फिर पास ही कहलाया। अब आप सोचें कि वहाँ पर जो है दो साधुओं को वहाँ के आचार्यों ने नियुक्त करके, ये साधु कैसे हैं, जो कुछ भी बताया जाता है उसको ग्रहण करने में, धारण करने में समर्थ हैं, है ना। इनके पास में बहुत प्रकार की विनय है। देखो एक विनय का बहुत उल्लेख आपको इस कथानक में मिलेगा, हाँ, विनय के बिना कोई भी साधु किसी से ज्ञान ले नहीं सकता, हाँ। तो कहते हैं कि निर्मल बहुत प्रकार की विनय से जिनके अंग विभूषित हैं, बहु विनय विभूषी अंगा, सील की माला धारण किए हैं। काय की माला, सील जानते हो, अब सब कुछ तो आज बता नहीं सकते हैं। शील माला हरा, हरा माने धारण किए हुए, गुरु के द्वारा भेजे गए हैं, वही उनका भोजन है। अच्छा, गुरु ने हमसे कहा है वहां चले जाओ, इसी में तृप्त हो रहे हैं, गुरु पेशणा सण तित्ता, यही उनका भोजन है, समझ आ रहा, इसी में तृप्त हो रहे हैं। गुरु ने आज्ञा दी है तुम्हें वहां जाना है, इससे बढ़कर के और हमारे लिए भोजन
क्या होगा, इससे बढ़कर के हमारे लिए संतुष्टि की चीज क्या होगी। इसमें तृप्त हुए हैं, देश कुल और जाति से शुद्ध हैं, समझ आ रहा है, इन चीजों का भी महत्व होता है। सकल कलाओं में पारंगत हैं, और ऐसे उन दोनों साधुओं ने तीन प्रदक्षिणा लगा करके, समझ आ रहा है, उन आचार्य को तीन प्रदक्षिणा लगा करके उनसे तीन बार पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, क्या आप हमें वहां भेजना चाहते हैं। अब वो आचार्य कह रहे हैं आपको वहां जाना है, फिर भी शिष्य का कर्तव्य होता है तीन बार पूछना, पक्का कर लेना। समझ आ रहा है। क्या आप हमें वहां भेजना चाहते हैं, क्या हमें वहां जाना ही है, ऐसा तीन बार विनय पूर्वक जिन्होंने पूछ करके निर्णय ले लिया, पक्का कर लिया कि हाँ आचार्य महाराज ने कहा है आपको जाना ही, कहां जाना है, समझ आ रहा है, तो वहां जाना है। अब वो जो वहां से गए हैं तो वो क्या है, आंध्र का विषय है, आंध्र जनपद है वो, समझ आ रहा है। अब आंध्र प्रदेश जिसको हम समझ सकते हैं, है ना, वहां से इसका संबंध है। तो कुछ लोग जब इसको बॉम्बे के साथ जोड़ते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश उस समय की बहुत बड़ी फिर परिधि में कहलाने वाला उस समय की भौगोलिक रचना होगी, तब जुड़ेगा वो, है ना। और वहां पर एक वेण्या नाम की नदी है, वेणा नदी है, उसके नदी के तट से उनको भेजा गया, यहां से आप आगे बढ़िए। और फिर तेसु आगच्छमाणि सुरैणी, जब वो आ रहे थे तो उसी रात में, है ना, पश्चिम भय माने रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है पश्चिम भाग, है ना, उस समय पर कुंद इंदु शंख वंडा, है ना। अब देखो इधर जो धर्षण आचार्य हैं उनको क्या दिखाई देता है ना, कुंद फूल होते हैं, इंदु माने चंद्रमा होता है, शंख के समान सफेद, ऐसे सभी लक्षणों से संपूर्ण अपने किए हुए, है ना, तिप्पदाहिणा तीन प्रदक्षिणा जिसकी जिनकी लगाई गई हैं ऐसे, और जो पास में स्थित हैं दो वृषभ उन्होंने रात्रि में अंतिम समय में स्वप्न में देखे। किसने देखे, आचार्य धर्षेण भड़ारेण दिट्ठा, धर्षेण भट्टारक ने उस समय पर दो बैल हमारी प्रदक्षिणा लगा रहे हैं, बैल देखे उन्हें, अभी आदमी नहीं देखे। समझ आ रहा है कि जो सभी लक्षणों से पूर्ण है, सफेद रंग के झक्कास बिल्कुल सफेद, ऐसे वो बैल हैं, एवं भी सुमणम दट्ठूण तुठेण, इस प्रकार के स्वप्न को देख करके जो तुष्ट हो गए, तुठेण माने तुष्ट हो गए, ऐसे धर्षण आचार्य के मुंह से एक शब्द निकला, वो शब्द आप सभी को बोलना है। समझ आ रहा है, बहुत ही सुभाषित सूक्ति वाक्य है। और जैसे ही स्वप्न पूरा हुआ, सुबह जब वो उठे तो उन्होंने सबसे पहले कहा जयउ सुय देवदा, क्या बोला, जयउ सुय देवदा, जयउ सुय देवदा, जयउ सुय देवदा, जयउ माने जयवंत हो, सुय देवदा श्रुत देवता जयवंत हो, श्रुत देव जयवंत हो माने भगवान जिनेन्द्र देव की ये वाणी जयवंत हो माने हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है, हो जाएगी। समझ आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा अपने मुख से। तद्दिवसे चेव, उसी दिन, तद्दिवसे चेव ते दोवी जना, वे दोनों ही जन संपत्ता धर्षण आयरियम, दोनों धर्षण आचार्य को प्राप्त हो गए माने उन्हें वह धर्षण आचार्य के दर्शन हो गए। तदो धर्षण भयवदो किदियम्बम काउवणे दोन्नी दिवसे बोला भी तदीय दिवसे बिणीण, देखो समझ आ रहा है, आए हैं चल करके धर्षण आचार्य की, उन्होंने कृति कर्म पूर्वक क्या की, उनकी वंदना की, है ना, माने कृति कर्म पूर्वक काय उत्सर्ग पूर्वक जो श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति इत्यादि की जाती है उसको कृति कर्म कहते हैं। तो ऐसे कृति कर्म पूर्वक उन्होंने वंदना करके दो दिन तो उन्होंने आचार्य महाराज से कुछ नहीं बोला। समझ आ रहा है, हाँ ये तरीके होते हैं गुरु शिष्य के बीच में। समझ आ रहा है, अब आप अधीर हो जाओ एकदम से, आपने मुझे बुलाया था मैं आ गया हूं, ऐसा नहीं होता। समझ आ रहा है, दो दिन तक तो शांति से रहो, वो भी देख रहे हैं आप भी देखो, और एक दूसरे को मौन पूर्वक समझो। समझ आ रहा है, और थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद में या एक दो दिन निकलने के बाद में अपरिचित लोगों से बोलना प्रारंभ किया जाता है, ये भी एक तरीका होता है, सुन रहे ना सभी लोग। तो ये देखो दो दिन तक तो वह कुछ नहीं बोले, फिर उसके बाद में तीसरे दिन
विनय के साथ धरसेन भड़ारहो तेई विन्नतो। धरसेन भट्टारक के समक्ष उन्होंने अपनी विनती की, विज्ञापन जिसको बोलते व्यक्तिज्ञप्ति, अनेन कज्जेन अम्मा दोवी जना तुम मम पाद मूलम उब गया इति, हैं हम लोग इस कार्य से आपके चरण कमलों में आए हैं। अब बता रहे हैं दो दिन बाद तीसरे दिन विनय के साथ में, हैं पहले बताना पड़ेगा, आचरण ही पूछेंगे क्यों आए हो, क्या काम है। उन्हें सब मालूम है कि यही वो दो बैल हैं, लेकिन फिर भी देखो प्रसन्न हो गए। लेकिन प्रसन्न होने के बावजूद भी परीक्षा लेते हैं हर तरीके की, विनय कितनी है, धैर्य कितना है, समझ आ रहा है, और ये उस धैर्य में पूरा पारंगत है कि नहीं, क्योंकि उसके बिना तो दी गई विद्या कोई काम में आएगी नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे तीन दिवसीय श्रुत पंचमी उत्सव। आइए इस श्रुत पंचमी पर हम सब मिलकर श्रुत आराधना करते हैं टीम अरहम के साथ। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से अरहम योग प्रणेता प्राकृत मर्मज्ञ अभिक्षण ज्ञान उपयोगी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से जाने श्रुत पंचमी की कथा।